हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं, जिसके अंदर कल मैंने स्टार्ट किया था बच्चों, अवकलन स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को दो रूल बताए थे। कौन कौन से थे थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं, एक दो एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपन को एक्स की पावर एन दे रखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने बताया था कि पावर जो होती है बच्चों, उसको आगे लेके आते हैं और पावर में से क्या करते हैं, एक कम करते हैं, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। फिर एक मैंने बताया था, कोई भी कांस्टेंट होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है, खाली कोई भी कांस्टेंट होगा उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो होगा। ये दो बातें अपन ने की थी। अपन कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, एग्जाम्पल कर रहे थे, इन पर बेस्ड इन दो फॉर्मूले, एक तरीके से फॉर्मूले हैं, रूल मान लो, फॉर्मूले मान लो, ठीक है। कुछ एक आध और एग्जाम्पल करती हैं। जैसे मान लो आपको फंक्शन दे रखा हो y इजिकल टू अंडर रूट एक्स, क्या दे रखा हो, y इजिकल टू अंडर रूट एक्स दे रखा हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको बोला गया कि y इजिकल टू अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो इधर तो क्या आएगा बोलो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब ये करने से पहले एक बात और, एक स्टेप और लिखते हैं इसमें। देखो कोई भी फंक्शन है उसकी पावर एक बट अंडर रूट होती है, किसी की भी पावर अंडर रूट होती है, मतलब वो पावर वन बाई टू है, यानी अंडर रूट को जो मैं वन बाई टू लिख सकता हूँ पावर में, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक बटे दो, अंडर रूट का मतलब पावर एक बटे दो होता है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इस अंडर रूट को एक बटे दो पावर में चेंज कर लिया, करो इसका डिफरेंशिएशन, डी वाई बटे डी एक्स बराबर। देखो मैंने क्या बताया, एक्स की पावर एन का बोलो क्या बताया था, एन पावर आगे लेके आओ और पावर में से क्या कर दो बच्चों, एक कम कर दो, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या होगा, पावर आगे लेके आएंगे एक बटे दो और फिर पावर में से क्या करेंगे बच्चों, एक कम करेंगे, क्या करेंगे, एक कम करेंगे, ये लो एक बटे दो माइनस एक, एक घटाना है आपको, तो क्या आएगा बोलो, एक बटे दो एक्स की पावर माइनस एक बटे दो। देखो यहां से ये इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग आसानी से, एक बटे दो माइनस एक, दो एलसीएम आ गया यहां पर, एक माइनस दो बोलो क्या आ गया, माइनस एक बटे दो, तो ये अपने पास में क्या आ गया इसका, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो कर लोगे, बोलो कर लोगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो इसको अगर थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो क्या आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक बटे दो गुणा इसको क्या एक्स की पावर एक बटे दो लिख सकते हो, इसको क्या आप लोग एक्स की पावर एक बटे दो लिख सकते हो, क्योंकि देखो पावर माइनस की थी, नीचे लेके आए एक के बट्टा में लेके आए, तो पावर प्लस की होगी, चिन्ह चेंज हो गया पावर का, तो देखो घात का चिन्ह चेंज हो गया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बटे दो को अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ ना, क्योंकि क्या लिखा मैंने, अंडर रूट एक्स को एक बटे दो लिखा था, तो एक बटे दो पावर अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसका जो आंसर आता है वो ये आता है, क्या आता है बच्चों, ये आता है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, क्या आता है बच्चों, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। अब जैसे आपको ऐसे दिया हुआ हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल वाई इजिकल टू एक्स की पावर दो बटे तीन, वाई इजिकल टू एक्स की पावर दो बटे तीन, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, ये एग्जाम्पल नंबर टू है। बोलो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स पावर आगे लेके आओ यानी दो बटे तीन और एक्स की पावर दो बटे तीन माइनस एक, यानी क्या करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे, यही तो कर रहे हैं बार बार में, तो क्या आएगा बोलो, दो बटे तीन एक्स की पावर, इसमें से घटाओगे तो माइनस का एक बटे तीन बचेगा। आप इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, इतना आगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। अब एक सवाल आपको करना है, अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, दिया हुआ वाई इजिकल टू एक बटे अंडर रूट एक्स, क्या दिया हुआ बच्चों, वाई इजिकल टू एक बटे अंडर रूट एक्स, इसका आप लोगों को अवकलन करके बताना है। वीडियो को पॉज करो और फिर ट्राई करो, कर लिया पॉज, वन टू थ्री, देखो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। y इजिकल टू, क्या मैं इसको बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर एक बटे दो,
ये जो अंडर रूट एक्स है, क्या मैं इसको एक बटे दो पावर में लिख सकता हूँ? अब देखो वाई इजिकल टू, ये जो पावर थी ऊपर जाके माइनस की हो गई, यानी एक्स की पावर माइनस एक बटे दो। क्या बची बोलो बच्चों? एक्स की पावर माइनस एक बटे दो। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, अवकलन करो, डीवाई बाई डी एक्स बराबर, तो देखो पावर को आगे लेके आते हैं माइनस एक बटे दो, इसको आगे लेके आए तो क्या आएगा? माइनस एक बटे दो, और एक्स की पावर माइनस एक बटे दो, इसमें से क्या करना है? एक घटाना है, तो माइनस एक। तो ये क्या आ गया बच्चों? माइनस एक बटे दो एक्स की पावर माइनस तीन बटे दो। तो ये रहे बच्चे अपने पास और कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, आप लोग फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ जो अपने काम में आएंगे। फटाफट इसको नोट करो बच्चों, कर लिया नोट, मिटा दूँ? ये लो देखो, कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फॉर्मूला नंबर थ्री, फॉर्मूला नंबर जो थ्री है बच्चों, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले लिखते हैं अपन कि उनका समाकलन, उसका अवकलन क्या होगा। जैसे बात करते हैं साइन एक्स की, डी बटे डी एक्स, या फिर मान लो ऐसे दे रखा हो, ऐसे समझ लो आपको दिया है वाई इजिकल टू, सबसे पहला वाई इजिकल टू साइन एक्स, तो इसका जो अवकलन होता है बच्चों वो होता है कोस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कोस एक्स। दूसरा आपको अगर दे रखा हो वाई इजिकल टू कोस एक्स, तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा माइनस साइन एक्स, याद रखने आपको ये। तीसरा है अगर दे रखा हो वाई इजिकल टू टेन एक्स, तो इसका जो अवकलन होगा बच्चों वो होगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है? टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। फिर चार नंबर पर है अगर y इजिकल टू दे रखा हो सेक एक्स, तो इसका जो अवकलन आता है बच्चों वो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये आपको याद रखने, टेन एक्स तक याद रख लेना, ज़्यादा लोग बायो वाले बच्चे तो ज़्यादा यही काम में आते हैं, ये कम ही काम में आते हैं फिजिक्स में। तो y इजिकल टू अगर दे रखा हो, एक कोट का नहीं लिखा अपन ने, कोट का लिख लेते हैं कोट एक्स, तो इसका क्या आएगा बोलो? dy बाई डी एक्स बराबर आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा बच्चों? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर दे रखा हो y इजिकल टू, आपको दे रखा हो कोसेक एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान से दिया होगा, कोसेक एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं होता, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका अवकलन माइनस में आ रहा है। यहाँ देख सकते हो, ये देखो सी से स्टार्ट हो रहा था, इसका भी माइनस में आ रहा है, इसका भी माइनस में आ रहा है। तो जो जो सी से स्टार्ट होंगे ना, उनका जो अवकलन है बच्चों वो माइनस में आएगा, ठीक है? फिर आपको एक दो और लिखवा देता हूँ। सेवन नंबर पर है अगर दे रखा हो y इजिकल टू e की पावर x, कोई एक्सपोनशियल फंक्शन दे रखा हो e की पावर में दे रखा हो, तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, ये अनचेंज्ड रहता है अवकलन में भी, आगे अपन पढ़ेंगे समाकलन में भी, ठीक है? एट नंबर पर है अगर दे रखा हो y इजिकल टू log x, तो इसका जो अवकलन होता है बच्चों वो होता है एक बटे x, यानी लोग के साथ में जो है वो बटा में एक्स। फिर एक और लिखवा देता हूँ, अगर y इजिकल टू कोई दे रखा हो ए की पावर x, तो इसका जो अवकलन होगा बच्चों वो होगा ए की पावर x log a, ए की पावर x log a। इसका एग्जांपल भी करवा देता हूँ साथ में, अगर दे रखा हो y बराबर दो की पावर x दे रखा हो, a क्या है यहाँ पर? कोई कॉन्स्टेंट है, इसका एग्जांपल आगे लिखते हैं। a क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट है। कोई भी कांस्टेंट की पावर अगर एक्स दे रखी हो तो उसका अवकलन क्या होगा? एक एग्जांपल से कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के नीचे, इसका जो फॉर्मूला लिखा जहां वहीं पर कर लेते हैं। देखो दिया हुआ होगा y इजिकल टू अगर दे रखा हो दो की पावर एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा बोलो बच्चों? y इजिकल टू अगर दे रखा है दो की पावर एक्स, तो इसका अवकलन क्या होगा? दो की पावर एक्स, क्योंकि देखो ए की पावर एक्स का क्या हुआ था? ए की पावर एक्स इंटू लोग ई ए, तो क्या आएगा? एक ही जगह क्या इसमें दो है, इंटू
लोग ई टू, क्या आएगा बच्चों, इंटू लोग ई टू। तो ये इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये सारे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। इन फॉर्मूलों को, इन सारे फॉर्मूलों को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो इन पर कुछ बेस्ड अपन एग्जांपल करते हैं, राइट। देखो कुछ एग्जांपल करते हैं, मिक्स्ड एग्जांपल करते हैं अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब के, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर दे रखा है वन, वाई इजिकल टू कोस एक्स प्लस एक्स की पावर चार प्लस सात, ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसका आपको अवकलन करना है। क्या बोलो आप लोग कर सकते हो, बोलो बच्चों कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो और फटाफट ट्राई करो खुद से, फिर मैं करवाता हूँ। वन टू थ्री, कर लिया, कर लिया बच्चों। देखो कोस एक्स का, अभी अभी मैंने सूत्र लिखवाया था कि कोस एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, बोलो कोस एक्स का, माइनस साइन एक्स, क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो लिख दिया डायरेक्ट प्लस। अब एक्स की पावर चार का, एक्स की पावर चार का जो अवकलन है वो अपन किस प्रकार से करते थे, पावर को आगे लेके आते थे फिर पावर में से एक कम करते थे, तो इसकी पावर कितनी है चार, तो चार को आगे लेके आ गया, फिर क्या किया बच्चों, चार में से एक कम कर दिया, क्या किया, चार में से एक कम कर दिया, फिर प्लस। सेवन क्या है, देखो कॉन्स्टेंट है, खाली कॉन्स्टेंट टर्म दे रखी, इसके साथ में एक्स वाई ऐसे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, इसका जीरो। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर वो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस चार एक्स की पावर तीन, ये लो, ये जो पहला एग्जांपल था ये इस प्रकार से। एग्जांपल नंबर दो है, मान लो इस प्रकार से है आपके पास में, वाई इजिकल टू सेवन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस टेन एक्स, इस प्रकार से दे रखा है एक सवाल, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब देखो सेवन एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखना, सेवन एक्स स्क्वायर है, सेवन एक कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो कांस्टेंट और वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों जब मल्टीप्लाई के रूप में दे रखे हों तो अपन कैसे उसका समाकलन करते हैं, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है। तो देखो कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, कांस्टेंट जो राशि होगी उसको ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, अवकलन। कैसे करते हैं एक्स स्क्वायर का, मान लो सात है ही नहीं यहाँ पर, भूल जाओ एक बार सात को, सात है ही नहीं, तो सात नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कैसे करते हैं, दो को आगे लेके आते हैं फिर क्या करते हैं, इंटू दो में से एक पावर कम कर देंगे, जो पावर होती है उसको आगे लेके आते हैं फिर पावर में से एक कम कर देते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो ये कर दिया प्लस, इसका हो गया एक्स स्क्वायर का, फिर देखो वापिस से क्या दे रखा है, नाइन एक्स दे रखा है, तो नाइन एक्स का कैसे करेंगे बोलो, नाइन एक्स का, फिर देखो वापिस क्या है, नाइन एक कॉन्स्टेंट टर्म है और एक्स एक वेरिएबल टर्म है, वापिस से क्या हुआ, एक कॉन्स्टेंट टर्म और एक वेरिएबल टर्म, दोनों क्या आ गई बच्चों, मल्टीप्लाई के अंदर आ गई, दोनों क्या आ गई, मल्टीप्लाई के अंदर आ गई। तो अपन क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको ऐसा कैसा लिख लेंगे, तो कॉन्स्टेंट टर्म को ऐसा कैसा लिख लिया, उसके साथ में क्या है, एक्स है, तो देखो एक्स का कैसे करते हैं, एक्स की पावर वन, मैंने अलग अलग लिया, अलग अलग के कल के लेंगे, तो देखो एक्स की पावर वन, तो वन को क्या करते हैं बच्चों, आगे लेके आते हैं इनटू, फिर पावर में से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, इस प्रकार से तो करते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, नाइन इंटू इसकी पावर वन थी, वन को आगे लेके आ गया एक्स की पावर वन माइनस वन, ये लो। फिर आगे क्या है, टेन एक्स है, टेन एक्स का सूत्र क्या लिखवाया बोलो, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार से इसका जो अवकलन है बच्चों वो क्या आ जाता है, फोर्टीन एक्स, फोर्टीन आ गया, सेवन टू जा फोर्टीन, इसकी पावर कितनी बचेगी, वन बचेगी, टू माइनस वन प्लस नाइन, यहाँ क्या हो गई, एक्स की पावर जीरो, किसी की भी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, तो क्या आ गया, नाइन प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये बच्चों आपके पास में क्या आ गया यहाँ पर, ये एग्जांपल, बोलो कर लोगे क्या, कर लोगे क्या बच्चों, ये लो
एग्जाम्पल नंबर थ्री आपको खुद को ट्राई करना है एक बार के लिए। ये दे रखा है e की पावर x प्लस 2x की पावर 9 प्लस अंडर रूट x, ये दे रखा है। ये सवाल है, आपको खुद को ट्राई करना है एक बार करके, आप लोग ट्राई करो। बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं, वही आप लोगों को करवाऊंगा मैं, जो अपने फिजिक्स के अंदर काम में आएंगे वही। बाकी अपन को मैथ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है वो, ज़्यादा हार्ड हार्ड सवाल नहीं करने हैं, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं करता हूँ, कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई। डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, बोलो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। फिर देखो क्या है, दो एक्स की पावर नौ है, यहाँ लिख लेते हैं दो एक्स की पावर नौ, इसका करना है। तो कैसे करेंगे, दो को तो ऐसा कैसा लिख लेंगे, बोलो लिख लोगे दो को ऐसा कैसा, फिर एक्स की पावर नौ बचा, क्या बचा, एक्स की पावर नौ। तो एक्स की पावर नौ का कैसे करेंगे, नौ को आगे लेके आएंगे, नौ को आगे लेके आ गई, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, यानी क्या करेंगे, नौ माइनस एक, तो क्या बच जाएगा, बोलो ये यहाँ लिख दो इसको ऐसा कैसा, दो इंटू नौ इंटू एक्स की पावर नौ माइनस एक, बोलो कर लोगे ना, बोलो बच्चों कर लोगे। फिर देखो, फिर है अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स का तो अपन ने आते ही इसी क्लास में, आज की क्लास में किया है। अंडर रूट एक्स जो है इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एक बटे दो, अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक बटे दो। तो देखो फिर अपन एक बटे दो को आगे लेके आएंगे, एक बटे दो को आगे लेके आया, एक्स की पावर, फिर क्या करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तो बोलो क्या बचा, एक बटे दो एक्स की पावर माइनस एक बटे दो, क्या है बच्चों, एक बटे दो इंटू एक्स की पावर माइनस एक बटे दो। तो इसको लिख दो यहाँ पर, एक बटे दो इंटू एक्स की पावर माइनस एक बटे दो, अगर लिखना चाहो पूरा तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर बोलो, e की पावर x प्लस नौ दुनिया 18, 18 x की पावर 8 प्लस एक बटे दो x की पावर माइनस एक बटे दो बचेगा यहाँ पर, ये लो बच्चों। तो इस प्रकार से है अपन लोग अवकलन कर सकते हैं। आप लोगों को साथ में पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है बच्चों, उनका सॉल्यूशन मैं फिर नेक्स्ट दिन भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो इसको अपन अभी यहीं ख़त्म करते हैं एक बार, फिर कल आप लोगों के पास और अलग फॉर्मूले लेके आएंगे। आज जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो ट्राई करनी है, और जो सवाल करवाए हैं एग्जाम्पल करवाए हैं वो भी आप लोगों को खुद से ट्राई करना है।